जी राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। और दिन है आज शुक्रवार का, मैं नहा धो रही हूँ। आज मैंने सिर भी धोया है क्योंकि पसीने बहुत ज़्यादा आ गए थे कल। और ये देखिए जो ये डेकोरेशन कल की थी, ये अब उतारी जा रही है। और ये ना हमसे उतर भी नहीं रही है। अब हमारा सबसे लंबा सदस्य जो वंश है वो नीचे से आएगा और वो उतारेगा इसे। तो इनकी जो कल इनमें हवा भर भर के फुलाए गए थे, अब ये इन्हें इनकी हवा निकाल ली जा रही है। अरे बाजी बाजी तो बहुत हार्ड हो रहे, निकल भी नहीं रहे। निकल गई इसकी तो, निकल गई इसकी, निकली ना इसकी एक की आर की पहले भी निकली थी ये। फिर मैंने फुला रख रखा था, ये इतना डेटा, ये एक साल से फुला ही रखा, फुला का फुला ही रहा। हवा ऐसी भरी गई इसमें से नहीं निकलती। हाँ सुई देकर फिर तो अगले साल फुला भी लेगी इसे। ये पिछले बार भी निकला था, ये नुक्कड़ ही रखा गया था। तो आर की तो हवा निकली नहीं, बाकी सब की निकाल रहा है प्रियांशु बैठा हुआ। और एक ये फ्रील तो उसने उतार दी, अभी होगी अड़ज मड़ज। अब ये कैसे कैसे सुलझी जाएगी वो देखेंगे। ये ऊपर से लिपट लिपट खावेगी और देखे पूरे घर की हालत कूड़े। रात को तो पूरा इंटरेस्ट रहा है, रात को तो फला दें गुब्बारे भड़ 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 हैं, गुब्बारे 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 हो रहे। और ये शुक्र है रैक्स ने खाए भी नहीं रात को, अन्य तो खा ले, रात इसने खाए भी नहीं है। और कान्हा जी बीमार बैठे हैं यहीं पे, अभी उठा के बैठाए थे ना, सो रहे थे। तो अब इनके भी नहाए नहाए कराएंगे, पहले तो ये देख ले कि क्या क्या काम हो रहा। उतर गई, ले आ ले आ ले आ ले आ। और ये टी शर्ट है, ये मैं कल प्रियांशु की लेके आई थी, लेकिन ये मेरे आने से पहले ना रेडी हो गया था। कोई बात नहीं, बोल रहा कि आज मैं इसे पहनूंगा। और कल ना मतलब केक कटने के बाद इतनी जल्दी हुई थी, सबको खाना खिलाना था, तो मैं ये दिखा भी नहीं पाई थी। तो ये कल मैं प्रियांशु की एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में टी शर्ट लेके आई थी। जी अभी बजे हैं सुबह के 10, ऊपर के नीचे के हमारे सारे काम निपट चुके हैं, खाना अभी बनना बाकी है, बाकी और सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, नीचे के भी सारे डगरों के काम और जी कपड़ों की धुलाई वगैरह, ये सभी हो चुके हैं। बस बाकी हमारा रहा है अभी खाना बनाना। तो जी खाना बनता रहेगा। नहा तो मैं सुबह ही ली थी, सिर मैंने धोया था तो सिर भी सूख गया है। अब मैं करके आऊँगी दोबारा से फेस वॉश। तो फेस वॉश में आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं हल्का फुल्का सा मतलब डेली यूज़ में कैसा मेकअप करती हूँ और किस तरह से करती हूँ। बहुत ही मतलब हल्का फुल्का मेकअप होता है डेली यूज़ में, बिल्कुल ये नहीं कि मतलब ज़्यादा ही हैवी हैवी मेकअप कर रहे हैं। वो तो जब कभी शादी वगैरह में कहीं जाना होता है तो होता है। तो डेली यूज में मैं कितना हल्का मेकअप करती हूँ, किस तरीके से करती हूँ, आज मैं आपको साथ वो सब शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले अपना मुँह धो के आते हैं हम ज़रूर, क्योंकि नीचे झाड़ू लगा कर आई थी। नहा कर तो मैं सुबह चली गई थी, लेकिन नीचे झाड़ू लगा कर आई हूँ तो फिर दोबारा से मतलब धूल मिट्टी बैठ ही जाती है। तो जी चलिए पहले करके आते हैं फेस वॉश। और ये देखिए फेस वॉश के लिए मैं ये मामाअर्थ का फेस वॉश यूज करती हूँ, ये काफ़ी अच्छा है। मैंने अभी दो बार से ही यूज़ किया है ये, इससे पहले मैं हिमालय का फेस वॉश यूज करती थी, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन मुझे एक ने सजेस्ट किया था कि इससे करना, जैसे मुंह पे झाइयाँ वगैरह हैं, दाने वगैरह हैं, तो इससे काफ़ी आराम होता है। तो ये चलिए इसे यूज करके देखते हैं। एक तो मैंने कर लिया है, मुझे काफ़ी फ़ायदा लग रहा है इससे, इस बार मैं दूसरा लेके आई थी। तो ये चलिए पहले करते हूँ मैं इससे फेस वॉश। Thank you.
फेस जो है मैंने अच्छे से कर लिया है अपना होश। फेस वॉश करने के बाद मैं लगाती हूँ पॉन्ड्स की क्रीम, मुझे सबसे बेस्ट लगती है और मैं ये ही यूज करती हूँ। सर्दी हो चाहे गर्मी तो पॉन्ड्स की ही क्रीम मैं लगाती हूँ डेली यूज में। तो चलिए थोड़ी सी लगाएंगे पॉन्ड्स वाली क्रीम। क्रीम के बाद देखिए लैकमे का फेस पाउडर है, वो ही मैं यूज करती हूँ। लैकमे का ही फेस पाउडर मैं यूज करती हूँ। तो ये मैं बहुत थोड़ा सा ही रह रहा है, दूसरा मैंने ला के रखा हुआ है, लेकिन अभी ये है पहले ये ही यूज करूँगी। गर्मी इतनी हो रही है, मतलब पंखा तो मैंने बंद किया हुआ है लेकिन गर्मी इतनी हो रही है, साथ ही साथ ना पसीने भी बहुत आ रहे हैं। पर यह थोड़ा सा देर के लिए ना बिना मेकअप के अच्छा नहीं लगता है, नहाते धोते हैं काम सारा अपना निपटाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा मेकअप करो तो अच्छा लगता है। ऐसे भी नहीं कि मतलब सारा दिन ऐसे ही घूमते रहो, थोड़ा सा लगे कि हाँ हम नहाए धोए हैं बिना मेकअप के तो ऐसा लगेगा कि मतलब नहाए भी नहीं है। के बाद है लिपस्टिक मतलब कोई एक ऐसी नहीं है कि मतलब मैं वो ही यूज करती हूँ, अच्छी ब्रांड की हो कोई भी हो। बेबीलिप्स भी मैं यूज करती हूँ, वो भी लगा सकते हैं, और डार्क में लगानी है तो कोई भी कंपनी की हो वो ही लगा सकते हैं। ये बेबीलिप्स भी है, एलाविन की भी है और मास्क की भी है। मतलब ये बिल्कुल लाइट कलर की है, ये थोड़ी सी डार्क है, ये बिल्कुल डार्क है। तो मैं ज़्यादातर रेड कलर की लिपस्टिक यूज करती हूँ, मुझे ना यही लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है रेड कलर में। सबसे सिंपल बिंदी रेड कलर की जो रोज में मैं यूज करती हूँ वो है ये रेड कलर की बिंदी। सबसे लास्ट में है सिंदूर जो मुझे लगाना है। देखिए मेरा पूरा मेकअप यही है जो मैं रोज में करती हूँ, बिल्कुल हल्का फुल्का। बस बाल मुझे कंघे करने हैं, बाल मेरे सूख चुके हैं। वो तेल मैं नहीं लगाती हूँ गर्मियों में क्योंकि पसीना इतना आता है, मतलब सिर में तेल ही तेल रहता है बहुत ज़्यादा। तो ये चलिए बस कंघे और करनी है, उसके बाद मेरा यही रोज का मेकअप है। देख रैक्स कभी कभी आवे, रैक्स नहीं आता टफी तो आ जाओ ऊपर। और ये देखिए आज रैक्स भी ऊपर आ रहा है। यहाँ हमने गेहूँ रखे हुए हैं, कबूतरों को डालते हैं जो दाने वही रखे हुए हैं जिन्ने में। और ये देखिए मतलब सबसे पहले रैक्स ने शुरुआत करी, यहाँ पक्षियों के लिए पानी डाला था शाम के टाइम, रोज़ पानी डालते हैं तो गेहूँ के दाने भी डालते हैं और रैक्स ने सबसे पहले आके पानी पिया है। ये देखिए मैं छत पे आई थी और इन बच्चों को नीचे से पता चल गया कि मैं छत पे घूम रही हूँ, तो सारे के सारे छत पे ही आ लिए। तू भी आ लिया गंजे और नंगे पैर ही है, चप्पल कहाँ है तेरी विवान? ओए विवान चप्पल कहाँ है, विवान की चप्पल कहाँ है? बेटा उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, उधर बिजली है बेटा, आप इधर ही आओ सब। हेलो यो नहीं बोलती बिल्कुल भी, बोलती नहीं हो क्यों? जब पहचाने लगेगी अब यो तो साल भर में थोड़ा दो चार दिन को आया, कहाँ पहचानेगी हमें भाई। ए, ये टॉफी से डर है, टॉफी से डर है और नीचे रेक्स था वो ऊपर।
रेस्ट है उससे भी डरती थी, वो व्हाइट वाला ना, व्हाइट वाला कुछ नहीं कहता। रैक से बेटा कुछ भी नहीं कहता और टफी बना रहा है, तो उससे क्या डरना। सुबह जब मठ लेने आए थे ना, हाँ, तब क्या नाम इसके क्या नाम चढ़ गया था इसके ऊपर बंधा बंधा भी। हाँ। विमान पैर उठ जाएंगे ऊपर को, ऐसे नहीं झांकना बेटा, पैर उठ जाएंगे ऊपर। हैं? यो किसका घर है, यो हमारा ही नहीं क्या गंजे, तुझे पता नहीं। हुँ? ये हमारा ही तो घर है, भूल गया। ऐसे नहीं ऊपर होते, पैर उठ जाएंगे। देखो तुम्हें भोंक रहे, देख नीचे से। ये देख अपनी मम्मी से हेलो कर रही है नीचे, वो खड़ी इसकी मम्मी नीचे, और इसका भाई भी है। देख वो भी देख रहा, बुला लो, सुनो आओ आओ आजा आजा, देख के देख रहा वो, नाड़ हिला रहा वो, तो उसे नहीं आना नहीं आना उसे, वो तो तुम्हें बुला रहा। ये निम्बोली है, निम्बोली निम्बोली नीम पे निम्बोली आती है वो है बेटा ये। अब इस पर आप ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ना बेटा, मुझे डर लग रहा है आप सब हाथ हो गए यहाँ पे, कभी से लटक के गिर जाओ। टैंक है यहाँ, हाँ ऐसे देखो दूर से ही। अरे वाह चंदा मामा, देखो भाई सब बच्चे देखिए, देखो दिन छिपने वाला है। तो चलो, और सब बच्चे बहुत प्यार से चलना, धीरे धीरे से चलना, कोई किसी को धक्का मुक्की नहीं करेगा, ठीक है? आराम आराम से चलो, हाँ धीरे धीरे चलो। मिस्टी चलो आराम आराम से चलो चलो, आगे हज्जी बनाता था। हाँ खाओ हज्जी, देख वही हज्जी, देख वही, देख वही हज्जी, बुलाओ बुलाओ, कल आएंगे हज्जी में अम्मा जी, कल साफ बुलाओ अम्मा जी अम्मा जी, कल साफ पानी भर देना, नहाने आएंगे सारे, ठीक है? और आज स्विमिंग पूल लेके ना, हैं स्विमिंग पूल, और हमारे तो घर पे स्विमिंग पूल है। नहीं भाई हमारे यहाँ बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ छोटा है, पर तैर सकते हो आप थोड़ा सा, बस बस थोड़ा सा, थोड़ा सा तैर सकते हो। अंडर वाटर से ये स्वस्तिका ये बोलती है टॉफी को, टॉफी टॉफी, अभी आप टॉफी बोल रहे थे ना, वो टॉफी नहीं है, वो टॉफी है टॉफी। ये वंश भैया ने ऐसी बनाई थी, उनसे बुननी तो नहीं आती, बस ऐसी बुन दी उन्होंने। अब देखो वो, देखो तुम्हें कितने ध्यान से देख रहा सबको, देखो कितने ध्यान से देख रहा, तुम्हारे पे ये नजर उसकी। तो चलो अब मैं बनाती हूँ चाय, नीचे मामा जी बैठे ना, ठीक है? और अब कोई भी नीचे ज्यादा नहीं लटकना, नीचे होकर बात करो बेटा, अब मैं जा रही हूँ, कभी तुम नीचे, हाँ बेटा सब नीचे उतर जाओ, हाँ ऐसे जाओ, स्वस्ति का खड़ी है नीचे, ऐसे खड़े हो, हाँ। लिए बनाते हैं दो कप चाय, नीचे से चाय का ऑर्डर आया है कि दो कप चाय बना दो, नीचे आए हैं मामा जी। माचिस कहाँ है भाई, चूल्हा आ गया क्या? तो जी चलिए बनाते हैं दो कप चाय, और बच्चों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, बच्चों के साथ काफ़ी खेले हैं, और बच्चे भी ना बहुत खुश थे, बोलते थे कि अम्मा जी चलो हमारे साथ ऊपर चलो, इन्होंने मुझे ऊपर देख लिया था छत पे, और छत पे से सड़क पे से देख के आगे भाग के कि अम्मा जी ऊपर है। मैं ना इन सब बच्चों की अम्मा लगती हूँ बड़ी, अपने आपको बड़े बुढ़ा वाली फीलिंग आती है जब भी बोलते हैं अम्मा जी। चलिए कोई बात नहीं, रिश्ते तो रिश्ते हैं, अम्मा लगते हैं तो बच्चे बोल देंगे ही। चाय हमारी बन गई है, और इस चाय का ना फ्राई पैन का हमारा हैंडल टूट गया है, और हमारे ना
मतलब हैंडल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। अभी मैंने ठीक कराया था, ये देखे ये फिर टूट के रखा गया है, और इसका एक पेच भी ना खो गया। नहीं रखा, रखा तो सर लगाऊंगी। हाँ तो सर लगाऊंगी, चलो जब पेच रखा, मैं सोच रही पेच खो गया इसका, तो ये चलिए कल इसका हैंडल लगा लेंगे। चाय हमारी बन चुकी है, चलो भाई तुम छन जाओ, दो कप बोल रही थी, अब दो से तीन कप बन के दिखे आयो। कोई नहीं, पीने का तो मुझे ही पीनी पड़ेगी एक कप। चलिए थोड़ी सी बच गई है, इसे आके देखेंगे, पहले देख आते हैं चाय नीचे। आज ना आम लेके आए थे भाई साहब बाग में से, तो चलिए जी इनको थोड़ा सा पहले पानी में डाल लेते हैं ठंडा करने के लिए, और फिर इनको काटेंगे। खाना खाने के साथ भी खा सकते हैं, खाने के या फिर खाना खाने के बाद खाएंगे। तो थोड़े से मैं इन्हें ठंडे कर दूंगी पहले, क्योंकि थोड़े से टाइट से ही है ये, वैसे नहीं है कि मतलब घोल के इन्हें खा लेंगे, चूस के ये काट के ही खाने पड़ेंगे। तो जी चलिए इनको डालते हैं पानी, इनको करते हैं थोड़ा सा ठंडा। आम मैंने सारे काट लिए हैं, और अभी नीचे से आवाज़ लगा रही हूँ, तो ये सब आएंगे खाने वाले, अब देंगे सबको खाना। आपसे हम कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।